दंतेश्वरी फाइटर्स। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में ये महिला कमांडोज घने जंगलों में खूंखार नक्सलियों से बेधड़क होकर लोहा ले रही हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने इस ग्रुप यानी दंतेश्वरी फाइटर्स का गठन किया है, जो राज्य की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम है। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ये महिला कमांडोज पुरुष कमांडोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम में सक्रियता से शामिल है। दंतेश्वरी फाइटर्स जो है वो एक दंतेवाड़ा की एक नई पहल है महिला सशक्तिकरण की तरफ। इसके गठन का उद्देश्य यह था कि पहले जब पुलिस नक्सल ऑपरेशन करती थी, जैसे गांव में हम सर्चिंग ऑपरेशन के लिए जाते थे, तो पुलिस के ऊपर बहुत से आरोप लगते थे, महिलाओं से छेड़छाड़, रेप के आरोप लगते थे। तो ऐसे आरोपों को कम करना, क्योंकि अब महिला कमांडोज भी अब अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ लगातार ही ऑपरेशन और सर्चिंग गश्त में उनके साथ जाती हैं, तो पुलिस के ऊपर लगने वाले जो आरोप हैं उनमें कमी आई है, और निश्चित तौर पर जो उद्देश्य था वो कारगर साबित हुआ है। दंतेश्वरी फाइटर्स की चीफ का कहना है कि पहले जब भी कोई नक्सली जोड़ा आत्मसमर्पण करता था, सरेंडर करता था, तो पुरुषों के लिए तो रोजगार के ऑप्शन विकल्प उपलब्ध होते थे, उन्हें पुलिस में ले लिया जाता था, लेकिन महिलाओं के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या थी। नक्सल संगठन में होने वाले जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक साथ आके यहाँ पर सरेंडर करते हैं, तो पहले ऐसा ट्रेंड था जब महिला कमांडोस या दंतेश्वरी फाइटर्स का यहाँ पर गठन नहीं हुआ था, महिलाओं की टीम नहीं बनी थी, तो जब वो सरेंडर करके आते थे जो उसमें मेल यानी जो हस्बैंड है वो तो सरेंडर के बाद DRG में शामिल हो जाते थे, यानी उनका एक प्रकार से रिहैबिलिटेशन हो जाता था, वो यहाँ पर गोपनीय सैनिक के रूप में तैनात हो जाते थे। उसके बाद जब एनकाउंटर्स में कोई भी सफलता मिलती थी तो ऑपरेशन में सफलता मिलने के कारण गैलेंट्री या फिर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से वो आरक्षक बन जाते थे, और आगे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे DRG में हैं जो नक्सल काडर से यहाँ पर गोपनीय सैनिक से शामिल होने के बाद सब इंस्पेक्टर्स तक प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन महिलाओं का ऐसा होता था जो वाइफ होती थी बस वो सरेंडर करने के बाद एक हाउस वाइफ के रूप में ही रह जाती थी। ऐसा होता है कि जैसे उनको भी लगता था कि नक्सल संगठन में जब वो थे तो दोनों फाइटर्स थे और दोनों बराबरी में थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका हस्बैंड जो है वो तो मुख्य धारा में जुड़कर पुलिस का हिस्सा बन गया, पर महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती थी। तो दंतेश्वरी फाइटर्स में जो कि महिला सरेंडर काडर की नक्सलियों को इसमें शामिल किया गया है, तो उसमें जो वाइफ हैं उनको भी दंतेश्वरी फाइटर्स में शामिल करके गोपनीय सैनिक के पद पर उनको प्रमोट कर दिया गया है, और साथ ही जब भी ये नक्सल ऑपरेशन में शामिल होंगी और उसमें जो भी सफलता मिलेगी, एनकाउंटर में अगर सफलता मिलती है, तो इनके पास भी एक चांस है कि ये प्रमोट होकर आरक्षक बन जाएं और आगे भी जा सकें। दंतेश्वरी फाइटर्स के गठन के बाद एक यादगार लम्हा आया था 15 अगस्त 2019 के दिन। कभी नक्सली झंडे को सलाम करने वाली महिला नक्सलियों ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर तिरंगे को सल्यूट किया था। 15 अगस्त की जो परेड हुई थी उसमें दंतेश्वरी फाइटर्स की एक प्लाटून को शामिल किया गया था, और ये ऐसा पहला मौका था जब सरेंडर काडर की महिला नक्सली जो पहले काले झंडे को सलाम करती थी और राष्ट्र विरोधी थी, उन्होंने तिरंगे झंडे को सलाम किया, तो ये बहुत अच्छी पहल थी इनके साथ। नक्सल ऑपरेशंस में DRG को जो सफलताएं मिल रही हैं उसमें दंतेश्वरी फाइटर्स की इन कमांडोज की भी बड़ी अहम भूमिका है। सभी जानते हैं कि महिलाओं का खुफिया तंत्र कितना मजबूत होता है। पहले नक्सल संगठन में काम कर चुकी हैं, तो यहाँ के लोकल टेरेन को ये बहुत अच्छे से जानती हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से जानती हैं, तो और इनका साथ ही साथ इनका आसूचना तंत्र भी बहुत तगड़ा है। तो यहाँ आने के बाद, इस टीम में शामिल होने के बाद, हमारा आसूचना संकलन इनके माध्यम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम में अब तक महिलाओं को इतना बड़ा मौका नहीं मिला था, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित और स्थापित करनी शुरू कर दी है। टीम सिर्फ सच, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।